हेलो गाइस, तो आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड को याद करेंगे। वो वर्ड है स्टैगर। ठीक है, इसको हम लोग की वर्ड के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको याद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि स्टैगर का मतलब होता क्या है। ठीक है, स्टैगर का मतलब होता है फाल्टर, हिंदी में कहें तो लड़खड़ाना। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जैसे कि आप फ्लो फ्लो में बोलते बोलते उसको गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, लड़खड़ा जाते हैं आप। ठीक है, आप चलते चलते कभी आपका पांव लड़खड़ा जाता है, तो आप कोई भी एक्टिविटी हो सकता है जो कि स्टैगर कर सकता है, फाल्टर कर सकता है, लड़खड़ा सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कीवर्ड के माध्यम से इस वर्ड में, इसके प्रोनंसिएशन में कुछ कंसेप्ट ढूंढने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं स्टैगर जब बोल रहा हूँ, स्टैगर, तो कुछ इसका आवाज़ जो है, इसका प्रोनंसिएशन, इसका जो उच्चारण है, स्ट्राइकर ऐसे आ रहा है। ठीक है, स्टैगर स्ट्राइकर, ठीक है, सिमिलर वर्ड है, स्टैगर स्ट्राइकर। मैं स्ट्राइकर को क्यों लिया हूँ, अभी मैं इसको आपको स्टोरी के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, स्टैगर स्ट्राइकर। तो देखिए, जो स्ट्राइकर, इसको क्या होता है, ये कैरम की जो बड़ी गोटी है उसको स्ट्राइकर कहते हैं। जैसे मैं इमेज दिखा रहा हूँ, देखिए, जो ये गोटी आपको दिख रहा है, ये गोटी, तो ये क्या है, यही है स्ट्राइकर। स्ट्राइकर कभी कभी तो लोग इसको स्टैगर भी बोल देते हैं। ठीक है, स्ट्राइकर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्राइकर है। ठीक है, ये कैरम है, कैरम समझ रहे हैं आप, एक गेम है ना, लोग जो इसको खेलते हैं। ठीक है, तो मैं इसके माध्यम से आपको इसको याद कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्राइकर, जो स्ट्राइकर का काम होता है कि हमेशा गोटी को इधर उधर मारने का, यानी कि लड़खड़ाता रहता है, इसको मारेगा, इधर टकराएगा, कहीं भी टकरा गया, मतलब हमेशा क्या करेगा, ये लड़खड़ाते रहेगा। ठीक है, तो यही स्ट्राइकर, इसीलिए मैं स्ट्राइकर वर्ड को लिया हूँ। तो देखिए, स्ट्राइकर, जो स्ट्राइकर वर्ड है, इसमें हमें स्ट्राइकर प्रोनंसिएशन मिला। ठीक है, तो स्ट्राइकर से हम क्या रिलेट कर लेंगे कि अच्छा, हाँ, स्ट्राइकर मतलब कैरम की बड़ी वाली गोटी, और वो हमेशा क्या करती है, बड़ी वाली गोटी हमेशा लड़खड़ाया करती है। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से हम इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे, अगर हम कभी भी वर्ड सुनेंगे स्टैगर, तो हमारे तुरंत माइंड में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ, स्टैगर स्ट्राइकर, कुछ ऐसा तुरंत कैरम की गोटी से रिलेट आ जाना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ, एक्टिविटी वो क्या है, हाँ, स्टैगर जो है स्ट्राइकर है, हमेशा लड़खड़ाता रहता है। ठीक है, लड़खड़ाना, यानी कि आप उससे तुरंत रिलेट कर लेंगे कि हाँ, इसका मतलब लड़खड़ाना होता है। ठीक है, तो चलिए, इतना क्लियर हुआ। तो गाइज, मैं इसके साथ और आपको सिनोनिम्स, यानी कि इसका जो है हिंदी में पर्यायवाची, ठीक है, इंग्लिश में सिमिलर वर्ड, इसको याद करा देंगे, और एंटोनिम्स, इसका अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द, उल्टा। तो देखिए, तो इसका जो सिनोनिम्स है, तो स्टैगर का, तो ये क्या है, इसका सिनोनिम जो है वोबल। वोबल का मतलब भी क्या होता है, लड़खड़ाना। ठीक है, लड़खड़ाना। टोटर का मतलब भी लड़खड़ाना। ठीक है, स्टम्बल का मतलब भी क्या होता है, लड़खड़ाना, यानी ठोकर, जैसे ठोकर लग जाता है, तो अगर आप रास्ते में चल रहे, अचानक से ठोकर लग गया, आप भी लड़खड़ा के गिर जाते हैं, या फिर लड़खड़ाने लगते हैं चलने में, इधर उधर डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, लड़खड़ाने का मतलब होता है डिसबैलेंस, किसी चीज़ में थोड़ा सा अगर बोलने में भी लड़खड़ा जाते हैं लोग, ठीक है, तो कहीं भी डिसबैलेंस हो जाना, तो ऐसे जो है लड़खड़ाना। ठीक है, और देखिए, और इसका वैम्बल मतलब ये भी क्या होता है, लड़खड़ाना। ठीक है, ये जो है सिनोनिम्स बहुत ही वर्ड होता है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड को चूज़ किया है। ठीक है, और ये फाल्टर, यहाँ पे ये भी क्या है, सिनोनिम ही हो गया इसका। ठीक है, स्टैगर का फाल्टर जो है लड़खड़ाना, ये भी, और देखिए ट्रेम्बल, लाइक ट्रेम्बल, कोई भी, देखिए इसका सिमिलर का मतलब थोड़ा सा इसके करीब, इसके मतलब बहुत ही मोस्ट करीब, बहुत ही ज़्यादा करीब। ठीक है, तो ट्रेम्बल है, ट्रेम्बल कांपना, वो भी क्या है कि आप कभी कांपते हैं तो जिस लड़का, वो भी थोड़ा सा रिलेट करता है। ठीक है, ऐसे मतलब सिमिलर वर्ड बहुत ही मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इसके नज़दीकी है, हम लोग उसको याद करेंगे। ठीक है, तो ट्रेम्बल भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स, और भी बहुत वर्ड हो सकते हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट को लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंटोनिम्स, हम एंटोनिम्स देख ले क्या होता है। तो देखिए, लड़खड़ाना, तो लड़खड़ाने में क्या था कि मोशन, आप मोशन में थे, ठीक है, आप इधर उधर लड़खड़ा जा रहे थे, तो वहाँ पे स्टे मतलब रुक जाना, एकदम शांत एकदम। ठीक है, इसका स्टॉप भी हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, पॉज भी हो सकता है। देखिए, पॉज्ड, कोई भी आप म्यूजिक या कुछ भी होता है, पॉज हो जाते हैं, म्यूजिक को रोक देते हैं, गति रहता है उसको रोक देते हैं, वो पॉज हो गया, उसका अपोजिट। ठीक है, लड़खड़ाया नहीं बल्कि रुक गया, गति में नहीं है, यानी कि रुक गया। लड़खड़ाना गति से रिलेटेड है, और ये क्या है, रुकने से थोड़ा रिलेटेड है, इसका उल्टा जो अपोजिट है। ठीक है, और कंफर्ट मतलब आराम। ठीक है, आराम भी जो है, देखिए आप लड़खड़ाने की स्थिति में कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे, इसका अपोजिट है कि हाँ, जब आप कंफर्ट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका मतलब कंफर्ट। ठीक है, आराम, आराम करना। ठीक है, तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड पढ़ने में बहुत ही मज़ा भी आया होगा, और आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है गाइज, मैं एक वर्ड, देखिए मैं डेली क्या करूँगा कि ऐसे ही वीडियो लाऊँगा, और एक वर्ड का क्या बताऊँगा, कंसेप्ट के थ्रू हम लोग याद करेंगे की वर्ड के माध्यम से। ठीक है, और उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी याद करेंगे। ठीक है गाइज,
और इसमें आपको क्या चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।